नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका स्पोर्ट्स एरेना में। और आज की खबर भी हमारे ओलंपिक से ही जुड़ी है। जी हाँ, देश की बेटी पीवी सिंधु ने एक बार फिर भारत के लोगों को राहत की सांस दी है। वो कैसे, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो बने रहो हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, बात ऐसी है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का शानदार खेल हमेशा की तरह इस बार भी रहा। गुरुवार को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डेनमार्क की मिया ब्लूचफेल्ड के खिलाफ सिंधु ने बेहतरीन खेल दिखाया। दोस्तों, 21-15 और 21-13 से मैच को अपने नाम करते हुए भारतीय स्टार ने महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। देशवासियों को ये खुशखबरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बुधवार को दमदार खेल दिखाते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली सिंधु ने आज के मैच में और भी ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया। महिला सिंगल्स के अंतिम 8 खिलाड़ियों में जगह बनाने उतरी सिंधु ने डेनमार्क की खिलाड़ी पर शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। अपने तेज दिमाग और दम पर सिंधु ने 11-16 से बढ़त बनाई रखी। इसके बाद डेनमार्क की मिया ने भी वापसी की कोशिश की, लेकिन मेमसाब की एक भी नहीं चली। स्कोर 14-12 तक पहुंचाने की उन्होंने काफी कोशिश की, यहां तक कि मैच पर कंट्रोल भारतीय का ही बना रहा। 21-15 से पहला सेट अपने नाम करने वाली पीवी सिंधु ने इस मैच को अपने नाम दर्ज कर लिया। सिंधु ने अपना कदम मेडल की ओर आगे बढ़ा ही लिया है, तो इस मेडल को पाने के लिए देखते हैं कि सिंधु की अगली चाल और अगली मेहनत कितनी रंग लाती है। तो पीवी सिंधु के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए मुझे यानी अभिषेक सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।